और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं, ये बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। तो आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार का फैसला सही था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम बातें यहां पर कही गई है। अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार का फैसला सही, राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान है। तो आज एक बहुत ही अहम फैसला, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सर, ये बात तो बाला साहब ठाकरे जी भी चाहते थे कि धारा 370 कश्मीर से हटे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह अस्थाई था और इसे हटाना बिल्कुल सही है। सही है ना, उसमें कोई उसमें एक तकनीकी मुद्दा निकालते थे सभी लोग कि भाई वहाँ विधानसभा भंग हुई थी, विधानसभा नहीं था, तो ये मुद्दा विधानसभा के माध्यम से आना चाहिए थे। सरकार कहती थी लोकसभा है, तो लोकसभा जब उसका उसके ऊपर काम कर रही है, लोग कश्मीर उसके तहत आ रहा था राष्ट्रपति अनुशासन की वजह से, तो हमारा ही है, उसमें कोई उसमें झगड़े में जाना नहीं चाहता मैं। और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो किया वो सही किया, लेकिन दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है, हम एक भी हिंदुओं का पुनर्संस्थान नहीं करते। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने जो मांग करती रही वो करते रहे उनके जीवन में, उस जब सार्थ हुई तो हमें बहुत अभिमान लगा था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी एक भी हिंदुओं का पुनर्संस्थान कर नहीं पाए, न हम आतंकवाद रोक पाए। वहाँ का आतंकवाद आज भी वैसे के वैसे शुरू है, वहाँ जवान मारे जा रहे हैं, वहाँ पुलिस मारे जा रहे हैं, पुलिस भी हमारी मुस्लिम पुलिस है जो ये देश के लिए धारा 33 हो रही है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम एकता का अगर वहाँ का गंगा जमुना इकट्ठा ये सब रंग नहीं समझ, वो बहुत वो खूबसूरती कश्मीर की और खूबसूरती बढ़ा देती थी अगर सरकार इसमें कामयाब होती तो, लेकिन सरकार इसमें बहुत असफल रही है वो हमारा। तीन साल पहले जो फैसला लिया गया था 2019 में, तो वो फैसला सरकार का सही था? सही था, उसमें कोई आज भी हमारी तो दो राय नहीं है। 370 धारा खत्म करनी चाहिए, उनको मुख्य धारा, इस देश में कोई भी राज्य इस तरह से अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो मुख्य धारा में आना ही चाहिए, लेकिन उसके जिस लिए हमने किया था वो नहीं कामयाब हुए, वो सबसे बड़ा दर्द है। 5 वर्ष में एक भी हिंदुओं का पुनर्वसन ये सरकार कर नहीं पाई, ये उनकी असफलता है, वो पहली जगह। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, और उसके बाद देखिए किस तरह से जश्न का माहौल यहां लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है। खत्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी, जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के आवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आवाम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया, व्हाट नेक्स्ट पॉलिटिकली, कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए, तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में हमें हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। तो देखिए लगातार अब राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, तो दूसरी ही तरफ आप देखिए जनता के बीच जश्न का माहौल भी दिख रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा दिन ये कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, साथ ही 30
सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाए, इसके लिए भी निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं। तो आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि आज फैसला पढ़ते हुए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई। तो आप इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आज ये फैसला कितना महत्वपूर्ण था, और साथ ही निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार को कि 30 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था, अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था, राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। विलय के बाद संप्रभु नहीं रहा जम्मू कश्मीर, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही कहा जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। तो ये तमाम वो बड़ी बातें जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कही है। आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा फैसला, और इस पर साफ तौर पर सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के इस फैसले को सही ठहराया है, एक बड़ी राहत मोदी सरकार के लिए ये कही जा सकती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न का माहौल लोगों के बीच। थे रहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इस फैसले से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। सर आगे जाके क्या रहेगा, क्या कोई नहीं इसमें है? जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी इस सिलसिले में जो डिटेल डिस्कशन होगी, कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, वर्किंग ग्रुप।